टॉपिक्स इसमें हम बात करेंगे अंशुल जी से कि कौन सी उनकी रडार पर शेयर हैं। अंशुल जी, चूंकि आप बोल रहे थे कि मार्केट रिकवर होने की कोशिश करेगा, कोशिश कर भी चुका है, अब निफ्टी करीब 100 पॉइंट ही नीचे रह गया, लेकिन आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं सर, वो बताएं। तो स्टार्टिंग में जब हम 23,375 के आसपास थे, तब से हम कहते आ रहे हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि स्पॉट पे 23,525-23,550 का लेवल टेस्ट होगा। ऑलरेडी 60-70 पॉइंट ऊपर आ गए, 100-125 पॉइंट और अपसाइड दिख रही है हमको। आज ना भी आए क्लोजिंग तक, तो प्रोबेबली कल के सेशन में हम 23,550 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप्स पे ही बेट करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप अवॉइड करना चाहिए। दोनों लार्ज कैप काउंटर रहेंगे। पहला है ग्रासिम। ग्रासिम में बड़े रेंज का रीटेस्ट हुआ है, तो ये वो समय है जब आपको ग्रासिम एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो में रख देना चाहिए। बट अगर ट्रेडर भी हैं तो बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 2,450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2,600 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि 2,600 में अगर ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करें, अगर इन्वेस्टर है तो रखे रहें। रेंज के बिल्कुल बॉटम पे आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइजेस पे आपकी बाइंग हो जाएगी। दूसरा काउंटर है टाटा स्टील। मेटल काउंटर्स में तेजी है, लेकिन टाटा स्टील मतलब स्टील काउंटर्स में थोड़ी सी गिरावट एक्सटेंड हुई है, और रेगुलर 7-8 दिन कंटिन्यूअस डाउन डे के बाद टाटा स्टील में रिवर्सल बन रहा है। तो एक बार के लिए करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। बाउंस बैक में आपको क्वार्टरली वीवैप 155 के आसपास है, वहां तक का टारगेट मिल सकता है। नीचे स्टॉप लॉस 130 रुपए का रहेगा, क्योंकि 132-130 ये बहुत मेजर सपोर्ट जोन है जहां पे इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए आएंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मार्केट में यहाँ से अगर बाउंस बैक के बाद नए लो भी बनते हैं तो टाटा स्टील 130 के लेवल नहीं तोड़ेगा। तो 130 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ऊपर में 155 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल, तो टाटा स्टील यहाँ पर काफी दर्शक भी सवाल पूछते हैं, 140 रुपए पर खरीदारी करें, 155 रुपए 50 पैसे का टारगेट रखना है, 130 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, तो लगभग 15 रुपये ऊपर के टारगेट हैं और करीब 9.5 रुपये नीचे के स्टॉप लॉसेज हैं। ग्रासिम, यहाँ पर रिजल्ट्स भी आए थे कंपनी के और 2518 पर अंशुल जी कह रहे हैं कि इसको बाय करें, 2600 रुपये के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रखना है 2450 रुपये का। तो ये दो काउंटर तो अंशुल जी की तरफ से थे, लेकिन महेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी दो काउंटर बताकर गए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर करीब 4100 रुपये पर काउंटर चल रहा है, 4600 और 4800 तक की रेंज इस काउंटर पर आप टारगेट के तौर पर रख सकते हैं, 3840 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा काउंटर जो महेश जी की रडार पर था उसको भी देख लेते हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर कि उन्होंने बोला कि इस काउंटर को खरीदारी कर सकते हैं 50-51 के भाव पर, 75 तक के टारगेट, लगभग 50% ऊपर तक के टारगेट्स हैं। जो छोटी अवधि में इसमें निवेश करना चाहते हैं वो 58 और 65 के भी टारगेट ले सकते हैं, 44 रुपये का एक इस काउंटर पर स्टॉप लॉस रखना है। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि हमारे जो एक्सपर्ट पैनल है उनकी रडार पर है और वो बुलिश भी हैं। सर, आपसे मैं जाने से पहले आज की निफ्टी का लेवल पूछ लेता हूँ कि निफ्टी अगर आपको जो बाउंस बैक दिख रहा है तो वो कहां तक आज जा सकता है, या अगर आज भी नहीं आया तो कल कहां तक जा सकता है? देखिए 23,550 से 23,575 ये प्रोबेबली मतलब 90% मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज क्लोजिंग में टेस्ट हो जाएगा, नहीं होता है तो कल गैप अप ओपनिंग के सहारे हो जाएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, तो यहां से 23,550-580 ये रेंज रहेगी, यहां से भी अभी 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और जहां से अंशुल जी ने बोला था 100 लगभग 100 पॉइंट, अंशुल जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 पॉइंट रिकवर हो चुकी है। जी सर बिल्कुल, यहां से हमने डिस्कस किया था 75 पॉइंट हो चुका है, 75 पॉइंट हो चुका है, बिल्कुल, तो 75 पॉइंट रिकवर हो चुकी है और अंशुल जी कह रहे हैं यहां से 100-125 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, यानी कि निफ्टी ग्रीन में बंद हो सकती है। बहुत जबरदस्त कॉल सर आपने ये दी है मार्केट में, और जो लोग आज शो देख रहे थे वो जितना डिसअपॉइंटेड थे शायद उनको एक सिल्वर लाइनिंग आपने दी है। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।